अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि मेरे भाइयों आप सब ठीक ठाक होंगे। जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको एक नुस्खा बताया था कि वो नुस्खा आप को कुछ लोगों को नहीं शायद समझ में आएगा या कुछ ऐसा नहीं होगा। और अभी सीज़न आउट हो गया जो कि तितर के बारे में, यानी कि नुस्खा नहीं है, सॉरी, नुस्खा तब लगाया जाता है जब सीज़न होता है, जब सीज़न आउट हो जाता है फिर खुराक डाली जाती है। और आजकल तितर की करेज शुरू हुई हुई है, यानी कि वो पंख उतार रहा है अपने, उसके मतलब भी मैंने आपको नुस्खा बताया था, शायद बहुत से लोगों को नहीं समझ आई। और अब मैं आपको बना के बताता हूँ कि नुस्खा कैसे बनाते हैं, मैं आपको नुस्खे की तरफ लेके जाऊँगा। सही है, उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी नई नई वीडियो आपके तक पहुँचती रहे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, अगर आप नहीं जानते, यानी कि अगर आपको नहीं पता चल रहा कि हमें भाई इस चीज़ में नहीं समझ आ रही कि ये कैसे बना रहे हो, क्या कर रहे हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर लो, कमेंट्स में मैसेज कर दो। और आजकल के जो तितर हैं, काले तितर हैं, इनके मतलब जो भी होता है नुस्खा, ये बहुत से लोग होते हैं तितर को ख़राब कर रहे हैं आजकल, नुस्खे लगा के, नुस्खे नहीं लगाने, खराब देने। अभी टाइम खराब का है, नुस्खे ख़त्म हो। तो मैं आपको अपनी जो है ना वीडियो की तरफ लेके जाता हूँ। सही है, आप पहले वो वीडियो देखें। सही है, मैंने क्या बनाया है, कैसे बनाया, वो वीडियो मैंने पूरी रिकॉर्ड की हुई है। ये हराक की तरफ पहुंच गए हम, ये देख सकते हैं दो बादाम हैं और इसके अंदर ये सूरजमुखी के बीज डाले जाते हैं। मैं आपको पास करके ये दिखा देता हूँ। ये देखें, हम बादाम डाल रहे हैं, दो बादाम हैं इसमें, ये सूरजमुखी के बीज हैं, आप गौर से देख लें, और ये बादाम है। ये देखें, इसको अच्छी तरह क्रश करना है, पहले ऐसे करके थोड़ा इसको क्रश करके, और ये देख लें इसके अंदर इतना सा आटा डालना है, गंदम का आटा डालना है। ये आपके सामने मैंने गंदम का आटा डाला, देख रहे हैं आप। और ये मैं इसको यानी कि कूट रहा हूँ, ये देखें। और ये आधा चम्मच चम्मच एक दूध का डालना है, ये देखें कितनी मकदार है, ये देखा आपने इतना दूध डाला है मैंने। और इसको अच्छी तरह से रगड़ लेना है, ये देखें, ये आपके सामने कर रहे हैं। और माशाल्लाह हमारा नुस्खा, और आप देखें कुंडी, देखें मैं पत्थर की इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग स्टील की, लोहे की इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग वो नहीं इस्तेमाल किया करें, वो अच्छी नहीं होती किसी भी चीज़ में। आप अपने लिए भी कोई चीज़ बना रहे हैं, खा रहे हैं, इसी चीज़ में बनाया करें। तो ये देख सकते हैं आप, और इंशाल्लाह ताला आपके तित्तर का पर पुर्जा मुकम्मल निकलेगा, करीच होगी इसके साथ, ठीक है। और अब नुस्खे लगाने छोड़ दें क्योंकि सीज़न आउट हो गया भाई साहब। और ये देख सकते हैं कि मैंने कैसे इसको बना लिया, अच्छे तरीके से बना लिया। और ये माशाल्लाह, मैं तो, मेरे पास तो चार पांच तितर हैं, मैं उनकी हराक रेडी कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि मेरे पास सामान ज़्यादा है, तो आपने सिर्फ दो बादाम और छः सूरजमुखी के बीज, एक चम्मच जो है ना वो लेना है। ये देखें हराक रेडी हो गई है।